डिपेंड्स ऑन हिज सेफ्टी प्रोटोकॉल कि वो उसको उतारना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। नोएडा की एक सोसाइटी में खुलेआम गुंडई करने वाले श्रीकांत त्यागी की हिरासत शुरू हो गई है। मेरठ से गिरफ्तार श्रीकांत अदालत में पेश हो चुका है और उसे 14 दिन की हिरासत में भेजने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। लेकिन श्रीकांत की मनबढ़ई कम हो जाए, शायद नोएडा पुलिस इसमें कामयाब नहीं हो पाई है। जिस श्रीकांत को पकड़ने के लिए पुलिस को 4 दिन लगे हों, जिस श्रीकांत को एक सांसद के नाराज होने के बाद पुलिस की टीमें सख्ती से खोज पाई हों, शायद उसे अभी भी किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण उत्तर प्रदेश पुलिस का ये हाल है कि श्रीकांत से एक मास्क उतरवाने को भी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। 25,000 रुपए के इनामी श्रीकांत को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मंगलवार को उसे मीडिया के सामने पेश करने आई थी। नोएडा के कमिश्नर यानी एडीजी रैंक के अफसर कुर्सी पर बैठे थे और तमाम जानकारियां दे रहे थे, लेकिन श्रीकांत अपनी गिरफ्तारी के बावजूद उनके पीछे अकड़कर ऐसे खड़ा था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के कुछ लोगों ने कहा कि श्रीकांत अपना मास्क उतार दें, लेकिन पुलिस के अफसर कहने लगे अगर वो चाहें तो उतार सकते हैं सेफ्टी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए। इट डिपेंड्स ऑन हिज सेफ्टी प्रोटोकॉल कि वो उसको उतारना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। इट डिपेंड्स ऑन हिज सेफ्टी प्रोटोकॉल कि वो उसको उतारना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। जब मीडिया के कुछ और लोगों ने ये बात कही तो कमिश्नर ने पीछे पलट कर कुछ कहा जैसे श्रीकांत से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों। फिर क्या, श्रीकांत ने कुछ वक्त के लिए मास्क उतारा और फिर वापस पहन लिया, लेकिन श्रीकांत की बॉडी लैंग्वेज वैसे ही रही जैसे पुलिस के अफसरों को इशारा हो कि जाओ ठेंगे से तुम्हारी गिरफ्तारी और ठेंगे से थाना, मैं कुछ दिन में छूट जाऊंगा, तुम अपनी ड्यूटी करते रहना। पर श्रीकांत की इस ठसक की वजह भी ऐसे ही अफसर हैं जिनके सामने नेतागिरी का नज़ारा अब भी दिख रहा है। लोग कहते हैं कि इस पूरे मामले से पहले आईपीएस अफसर श्रीकांत को साहब मानते थे। दरोगाओं की हालत ये थी कि पानी पिलाने को मजबूर होना पड़ता था, कई अफसर जी हजूरी किया करते थे। जिस मकान पर जेसीबी चलाई गई उसमें तमाम वीआईपी लोग आते थे, क्या नेता, क्या अफसर और क्या व्यापारी। श्रीकांत के यहाँ तो लोगों का आना जाना ऐसे था जैसे कोई राग दरबारी चल रही हो। गाड़ी पर विधायक का स्टिकर लगा था, सोसाइटी में जलवा था और बाउंसरों की भीड़ थी। लेकिन अब श्रीकांत को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस रिमांड मांगने में भी संकोच कर रही है। शायद श्रीकांत की ये बॉडी लैंग्वेज इसी असर के कारण ही है। योगी के दफ्तर से ये निर्देश है कि श्रीकांत पर बिना किसी दबाव के मजबूती से कार्रवाई की जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सिस्टम के सामने श्रीकांत इस तरह अकड़ कर खड़ा है, क्या उसी सिस्टम के लोग उसकी मदद कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो श्रीकांत जैसे लोगों का इलाज कैसे हो पाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।